बेंगलुरु ने सनसनीखेज अंदाज में प्लेऑफ में मारी एंट्री, चेन्नई को की आईपीएल से बाहर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में लगातार 6 मैच हारने के बाद लगातार 6 मैच जीतकर जोरदार वापसी की और खुद को प्लेऑफ की रेस में पहुंचाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनसनीखेज अंदाज में आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जगह बना ली है। बेंगलुरु ने आखिरी लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को रोमांचक मुकाबले में 27 रन से हरा दिया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस सीजन का ये आखिरी मैच था और मौका भी जबरदस्त था। अपने होम फैंस के सामने बेंगलुरु ने शुरुआत भी उसी जबरदस्त अंदाज में की। विराट कोहली ने तीसरे ओवर में ही 2 छक्के जमा दिए थे, लेकिन तीसरे ओवर के बाद आई बारिश ने करीब 40 मिनट का खेल खराब किया। फिर मुकाबला शुरू हुआ तो चेन्नई के स्पिनरों ने लगातार 3 ओवरों में सिर्फ 11 रन देकर रफ्तार पर लगाम लगाई। हालांकि इसके बाद कोहली और डुप्लेसी ने फिर रफ्तार बढ़ाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 78 रनों की साझेदारी हुई, जो कोहली के विकेट के साथ टूटी। इसके बाद डुप्लेसी एक दमदार अर्धशतक जमाकर रन आउट हुए, लेकिन फिर रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन ने हमला बोला। दोनों के बीच 28 गेंदों में 71 रनों की साझेदारी हुई, जिसने बेंगलुरु को 200 रनों के करीब पहुंचाया। ग्रीन का हमला अंत तक जारी रहा, जहां उन्हें दिनेश कार्तिक और ग्लेन मैक्सवेल का भी अच्छा साथ मिला। आखिरी 5 ओवरों में 80 रन बनाकर बेंगलुरु ने 218 रनों का दमदार स्कोर खड़ा किया।